बीजेपी विजेंद्र गुप्ता जी कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं कि काफी हजार बसों की खरीद में एक बड़ा घोटाला हो गया है। देखिए, हर एक पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है कि ईमानदार सरकार है। हम आलोचना या टिप्पणी से हम कभी नहीं घबराए। जो सजेशंस हैं वो बिल्कुल वेलकम है। वी आर ऑलवेज ओपन टू क्रिटिसिज्म, लेकिन इस तरह के बेसलेस बयान करना कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में परिवहन मंत्री ने कोई घोटाला किया, ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी बिल्कुल ये चाहती है कि दिल्ली में कोई नई बसें आए ना, और इसीलिए पहले उन्होंने ECB में शिकायत की, उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा गठित LG की कमेटी ने दिल्ली सरकार को उसमें क्लीन चिट दिया। उसके बाद भी जब उनको लगा कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो अब उन्होंने एक और नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया है। तो सिविल डेफेमेशन सूट फाइल किया था, उसमें कल हाईकोर्ट में लिस्ट हुआ था। क्रिमिनल डेफेमेशन का भी अलग से कंप्लेंट किया है, और आज पहली उसकी हियरिंग थी। 1 तारीख को कोर्ट दोबारा उसको टेकअप करेगी, जो आगे उसकी कार्रवाई की जाएगी।